आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की बहुत ही चटपटी सूखी सब्जी। हम मसाले वाली और ग्रेवी वाली सब्जी तो हमेशा बना के खाते हैं, और कभी कभी मन करता है कि कुछ सिंपल खाया जाए, वो भी कम मसालों वाला, बिना ग्रेवी वाला। तो आज उसी की रेसिपी हम लेकर के आए हैं। इस आलू गोभी की सब्ज़ी को बनाना बहुत आसान है। किचन के कम से कम सामान में ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना यम्मी और टेम्पटिंग हमारी सब्ज़ी दिखाई दे रही है। इसे आप दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो कढ़ाई में हमने ले लिया है सरसों का तेल, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, और उसके साथ ही हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च आप कम कर सकते हैं। मिला देंगे दोनों चीज़ों को और हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हींग एक चुटकी। हींग से बहुत ही अच्छा स्वाद और खुशबू आता है, आप भी डालिएगा। लाल मिर्च डाल देंगे इसमें, और इसके साथ ही हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। इससे ज़्यादा हम कोई भी सूखा मसाला नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी हम बना रहे हैं। और अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च, हरी मिर्च में से कोई भी एक डाल सकते हैं। टमाटर डाल देंगे कटा हुआ, ये दो टमाटर हमने काट के लिए हैं मीडियम साइज़ के। इन्हें भी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ और भून लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही चटपटी लगती है और बनाना बहुत आसान है इसे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक से जो है टमाटर हमारे जल्दी गल के तैयार होंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे एक चम्मच, इसे भी हम भून लेंगे टमाटर के साथ जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते हैं। मिला देंगे सारी चीज़ों को और टमाटर के गलने तक हम पकाएंगे इन्हें। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी और आलू। गोभी आलू को मैंने अलग से फ्राई नहीं किया है क्योंकि उससे ऑयल भी ज़्यादा हो जाता है और फिर वो सिंपल सब्ज़ी नहीं कही जाएगी, इसलिए हमने इसे बिना फ्राई किए ही लिया है। फिर भी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी बिल्कुल कम से कम मसालों में। मिला देंगे मसालों के साथ हम गोभी आलू को अच्छे से, और देखिए सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी से हमारी सब्ज़ी बहुत चटपटी दिखाई दे रही है, बस इसे थोड़ा सा पकाना है। तो सब्जियों को हमने अच्छे से मिला दिया है मसालों के साथ, प्याज टमाटर के साथ। अब हम इसे ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन बीच में हम एक दो बार इसे चलाएंगे भी ताकि सब्ज़ी जले ना। तो देखिए 5-7 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है ढक करके, बीच में एक दो बार चलाया भी था। एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिला देंगे चलाते हुए, और सब्ज़ी हमारी जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस इसे 2 मिनट हम और पकाएंगे। तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, धनिया पत्ता हमने डाल दिया है इसके ऊपर, और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। धनिया पत्ता को भी मिला देंगे, हरे धनिए से सब्ज़ी का जो है पूरा फ्लेवर ही बदल जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाता है सब्ज़ी का, चाहे वो कितनी भी सिंपल रेसिपी क्यों ना हो। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारी सब्ज़ी का आया है, कितना अच्छा टेक्सचर है, कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल 10 से 12 मिनट लगा है हमें इस सब्ज़ी को बनाने में, और बिल्कुल सुपर टेस्टी और यमी हमारी सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूरी पराठों के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, आप हर जगह इसे सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट रहती है, तीनों टाइम आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनके तैयार होती है बिल्कुल कम और सिंपल मसालों के साथ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।